त्यांच्या माध्यमातूनच आपण हा क्लास केलेला आहे. आणि गुरुजींचं नाव सुनील जरी असेल तरी गुरुजींना आपल्या ऋषी प्रभाकर गुरुजींनी जे नाव दिलेलं होतं प्रेमानंद, ते त्यांच्या नावाला म्हणजे त्यांच्या गुणाला साजेसा असंच आहे. खरं खरोखर भरभरून प्रेम जर कोणी साधकांना देत असेल तर त्यांच्याच कडनं मिळतं. गुरुजी स्वतः हे छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे प्रमुख आचार्य आहेत, तसेच ते ब्रह्मोपदेशक आहेत. जे जो ब्रह्मोपदेश आपल्याला केला जातो 7व्या दिवशी, तो त्या ब्रह्मोपदेशक ते आहेत. तसेच BST आणि AMC टीचर आहेत, टीचर ट्रेनर्स आहेत. तसेच योगा अलायन्स USA ह्यामध्ये जो प्रोग्राम कंडक्ट केला जातो त्यामध्ये ते असतात. आत्ता मागेच कॅनडाला गुरुजी जाऊन आलेले आहेत. आणि राजकोटला जी TTC चालू आहे त्या ठिकाणी देखील, म्हणजे जसं की प्रत्येक ठिकाणी परमेश्वराचं रूप प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं, तसं गुरुजी ज्या ठिकाणी आवश्यक असेल त्या ठिकाणी लगेच हजर असतात. आणि ज्या जेव्हा गुरुजींनी वचन दिलं की ऋषी प्रभाकर गुरुजींना की मी SSY चं टीचर होऊ इच्छितो, तर गुरुजींनी सांगितलं की तू आता आलास तसं परत जायला नाही पाहिजे. त्याचप्रमाणे खरोखर गुरुजींच्या मिसेस ज्या विनीतामा आहेत त्यांनी देखील त्यांना आयुष्यभर साथ दिलेला आहे. की खरं खरोखर 2 दिवस नवरा गावाला गेला तर भांडणारे बायात, पण विनीतामांनी गुरुजींना भरपूर साथ दिलेले. कारण गुरुजी महिना महिना घरी नसतात तरी पण त्यांनी त्यांचा एका बाजूने संसार व्यवस्थित चालवलेला आहे, त्यामुळे हे आपलं सगळं चालू आहे. नाही तर गुरुजींना त्यांनी विरोध केला असता तर आपल्यासाठी गुरुजी मिळालेच नसते. तर आणि सर्वांना दिशेमध्ये अतिशय प्रेमाने शिकवणं, प्रत्येकाला समजून सांगणं हे गुरुजींचे गुण आहेत. तर ते सर्वांना तर माहीतच आहेत, तरी मी थोडक्यात माहिती सांगितली. गुरुजींची माहिती सांगायला गेलं तर 3 तासही पुरणार नाही. तर मी अशी गुरुजींना विनंती करेन की आम्हाला पुढील मार्गदर्शन करावे. तर आज आपल्याला ते सांगणार आहेत की बेनिफिट्स ऑफ SSY. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। 1 मिनिट, अच्छा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव. येस सर्वांनी ॲक्च्युली तुमचं वही पेन घेऊन घ्यायला पाहिजे असं मला वाटत होतं, पण समहाव मेसेज नाही पाठवू शकलो। असतात गुरुजी. येस ओके। कोई हिंदी है? कोई हिंदी चाहिए? नाही हिंदी में बात करना चाहिए ऐसा कोई है? ओके सो विल कंटिन्यू मराठी मध्ये। ओके सो सब लोग SSY किया है, सबको SSY का बेनिफिट्स आपको सबको मालूम है ना? सो मराठी मराठी हाँ, ना 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 मराठी नंतर। ओके सो इसलिए कि मैं एक बार जस्ट गुरुजी को कैसेट सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके सो गुरु जी खुद इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सो मुझे लगा कि वो इंट्रोडक्शन आपको सबको सुनाना चाहिए और आप नोट्स लेना चाहिए, जिससे आप दूसरों को क्या बताना चाहिए, कैसा बताना चाहिए, यू नो जस्ट लाइक हम उसको कहते हैं इंट्रोडक्शन कैसा देना चाहिए। ओके सो वो मुझे लगा कि आपसे वो शेयरिंग किए तो अच्छा रहेगा और उसका बेनिफिट सबको मिल जाएगा। सो इस हिसाब से मैंने वो बोला कि चलो इसको हम गुरुजी का आइडियो आपको प्ले करें। और दूसरा, सब लोग चाहते हैं कि इंद्राणी माँ से जस्ट रिसेंटली जो क्लास हुआ फूड का, रिगार्डिंग फूड और अपना डेली रूटीन लाइफ कैसा होना चाहिए। सो और बहुत लोग SSY किए हैं, सो कभी कभी भूल भी गए हैं, सो उसका वजह से लग रहा है कि ये होना जरूरी है प्रोग्राम, इंट्रोडक्शन लेना भी जरूरी है ऐसा मुझे महसूस हुआ। और आई थिंक जनवरी में हम ऑनलाइन क्लास करेंगे, सो थोड़ा सा दिसंबर तक थोड़ा सा प्रोग्राम्स अलग है, उसके बाद जनवरी से
इसमें प्रोग्राम ऑनलाइन करेंगे जिससे सबका बेनिफिट हो सके। सबको प्राणायाम मालूम है, लेकिन मेनली हम यहाँ पे गुरुजी जो कहते हैं कि माइंड के ऊपर ज़्यादा फोकस होना ज़रूरी है, वो छोड़कर हम सब काम करते हैं। ओके, सो फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर हम ज़्यादा काम करेंगे यूजुअली, या ऑफिस का हो, घर का हो, कोई भी काम हो, हम करना चालू कर देते हैं, लेकिन जिस पर काम करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं, वो मेनली माइंड के ऊपर है। सो मैं ज़्यादा अभी बीच में नहीं रहूँगा, मैं गुरुजी का जो आइडियो है उसको शेयरिंग करूँगा, वो इंग्लिश में है। ओके, सो इंग्लिश में आपको जितना समझ में आता है वो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी आवाज़ नहीं आ रहा है। ठीक है ठीक हाँ है। यस, ठीक है, इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक है, ये प्रोसेस मेनली है। ओके, सो हाईएस्ट नॉलेज है, सो वो सिखा रहे हैं। ओके, सो विल कंटिन्यू। योगा, सुना दे रहा है सब? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द प्रैक्टिस एंड लेटर ऑन वी विल कंसीडर द मैकेनिक्स ऑफ समाधि योगा। सबको सुना दे रहा है ऑडियो? हाँ ये ओके, थोड़ा आवाज, थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ा करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये वॉल्यूम उतना ही है, उससे वो बड़ा नहीं कर सकते, मैं भी वही देख रहा था, क्योंकि वो गुरुजी ने रिकॉर्ड किया है, वो उसका वॉल्यूम ही नहीं है उतना बड़ा। ओके, ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनना जरूरी है। स्पीकर, मैकबुक एयर स्पीकर। ठीक है, एक बार देख। ये गुरुदेव मेडिटेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन द माइंड, द एजिटेटेड माइंड टू पीसफुलनेस, द वेरी प्रोसेस ऑफ आवाज बारीक पण क्लियर येते ऐकायला। गुरुजी तुम्ही म्यूट वर आहात। यस, ओके, मी किरण लोक होस्ट करतो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। याच्यामध्ये एक रेकमेंडेशन म्हणजे असं आहे की आवाज जरी कमी असेल तरी कॅप्शन नावाचं एक ऑप्शन आहे तिकडे, कॅप्शन मध्ये आपण आपली लँग्वेज सिलेक्ट करू शकतो। तिकडे 95% ऍक्युरेसी वरतून ते कन्वर्ट करून टायपिंग करून समोर दाखवतं, तर कोणाला हवं असेल ते कॅन यूज इट। जस्ट शेअर केलं ते कुठून भेटेल आपल्याला कॅप्शन? कॅप्शन, बघा खाली राईट साइडला कॅप्शन आहे, हाँ आपल्या आहे कॅप्शन, कॅप्शनला क्लिक करायचं, तर आपल्याला हवी ती लँग्वेज सिलेक्ट करायची आणि ओके करायची। ओके, ठीक ये थोडंसं 90% तरी ऍटलीस्ट ऍक्युरेट दिसतं। है। लँग्वेज हिंदी है, हिंदी आहेत, मराठी वगैरे आहे, मोस्टली हिंदी पण आहे। ते गुरुजींसाठी ओके, चलो ठीक है। रिड्यूसिंग द एक्साइटेशन इन द माइंड इज मेडिटेशन, द माइंड बिकमिंग मोर एंड मोर पीसफुल, मोर एंड मोर क्वाइट इज मेडिटेशन। Meditation is not holding on to your thought. It is not holding on to a particular picture. It is not holding on to a particular sound. It is not concentration. Meditation is the process of deconcentration. Meditation is the opposite of concentration. Meditation means letting go of the mind. Freeing the mind of the boundaries, letting go the individuality, letting go the boundaries and reaching universality. Yoga is the realization of the unity in diversity, or it means the process of going from individuality to universality. It is the process of going from Purushatva to Daivatva. It is going from a little small individual
to the vast expansive godliness, from a limited individual to the ever-pervading universal godhood. खूबस शब्द आहेत. हाँ, कौन बताएंगे? थोड़ा सा रिवाइज हुआ तो अच्छा रहेगा. इंडिविजुअलिटी टू यूनिवर्स, यानी अपने व्यक्तित्व से पूरे दुनिया का जो या विश्व का है उसके साथ जुड़ जाना, यानी मी छोड़ के, अहंकार को छोड़ के, विश्वची माझे घरो ऐसे मराठी में बोलते हैं, वैसे आत्मा को या हमारे दिमाग को बड़ा करने का ऐसा कुछ मुझे लगा। ओके, वेरी नाइस. हाँ, और दूसरा कोई? गुरु जी का इसमें कि एजिटेटेड माइंड जो है, जो इरिटेबल माइंड है या एजिटेटेड है या जो कंफ्यूज माइंड है, अगर उसको काम डाउन करना है तो मेडिटेशन ही एक प्रोसेस है। जो मेडिटेशन इज नॉट द कॉन्सेंट्रेशन, उनका बोलना इट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इट इज अपोजिट टू कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे भी उन्होंने बोला, जिसमें हम लेट इट गो करना, अपने बाउंड्रीज को फ्री करना और एक हमारी इंडिविजुअल यूनिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो इस तरीके से जो है मैं हमारे मन को जो है वो एक बाउंड्री जो भी कुछ है उससे फ्री करना, एक एजिटेटेड माइंड को काम डाउन करना इज मेडिटेशन, ऐसा मुझे समझ आया। ब्यूटीफुल. और कोई ऐड करना चाहते हैं? जय गुरुदेव गुरु जी, हाँ, जय गुरुदेव. थैंक वेलकम टू इंडिया। यू, थैंक यू. गुरुजींनी जे आता सांगितलं ते आपण एस एस वाय मध्ये पहिल्या दिवशी आपण तेच सांगतो, आपणही आम्हाला ते सांगितलेलं की मी पासून सर्व काही, म्हणजे मी कोणी नाही आणि मी पासून पूर्ण सगळं काही मीच आहे, सगळं काही माझंच आहे, सरळ म्हणजे फक्त बाउंड्रीज वगैरे आपल्या सोबत ठेवू नका, मी कोणीतरी आहे, मी कोणीतरी आहे असं न समजून घेता इंडिव्हिज्युअलिटी टू युनिव्हर्सॅलिटी असं गुरुजींचं असं म्हणणं होतं की तुम्ही कोणीही नाहीत, मी पण काढून टाका आणि मी म्हणजे मी काही सर्व काही आहे, अहम ब्रह्मास्मी, आपण ते खूप आता पुढे गेलो ह्या टाइपचं म्हणणं होतं गुरुजींच। ओके, गुड, थँक यू. जय गुरुदेव. हां, बोला. या बोलण्यामध्ये गुरुजींनी मेडिटेशन बद्दल बोलत होते की व्यक्ती ते समष्टी, म्हणजे एका व्यक्तीपासून पूर्ण विश्वापर्यंत पोहोचणं ही समाधी स्थितीचा अभ्यासाचा भाग आहे. त्या समाधी स्थिती किंवा मेडिटेशन याबद्दल गुरुजी सांगतात. ओके, गुड. म्हणजे की मेडिटेशन म्हणजे काय? बऱ्याच लोकांचं काय काहीतरी गैरसमज आहे की विचार धरून ठेवणे किंवा देवाचे पिक्चर धरून ठेवणे, कुठलं तरी आवाज ऐकणं, ओके, किंवा कॉन्सन्ट्रेशन करणं वगैरे असं सगळं. पण हे सगळं नाही आहे असं गुरुजी सांगत आहेत. ओके, सो बऱ्याच जणांना मी कधी कधी ना बहुत लोकों को मी कभी कभी पूछता हूँ मेडिटेशन, हाँ मेडिटेशन कर रहे हैं वगैरह, क्या कर रहे हैं? वो जप कर रहे हैं वगैरह ऐसा बोलते हैं, या हमारा त्राटक मेडिटेशन चल रहा है, रेड आइज ना, रेड लाइट देखना वगैरह ऐसे. ओके, सो या मूर्ति पूजा करना ही वही मेडिटेशन उनको लग रहा है. ओके, सो गुरु जी, ये जो ट्रेडिशनली जो हम कर रहे हैं उसका अलावा कुछ अलग है ये गुरु जी हमको दिखा रहे हैं या बता रहे हैं. सो इसलिए बहुत लोगों को लगता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड इज ओनली मेडिटेशन, ऐसा समझ रहे हैं. लेकिन गुरु जी कह रहे कि वो एग्जैक्टली अपोजिट है, वो ऐसा है ही नहीं है. सो मेरे मेडिटेशन से क्या क्या होगा ये थोड़ा सा बता रहे हैं. लेकिन ये मेडिटेशन यानी कि क्या है, ऑलरेडी एस एस वाई ने जिन्होंने किया है उसका अनुभव किए हैं, फिर भी वो बहुत एक्सप्लेन करते हुए जा रहे हैं और उसका बेनिफिट्स क्या है वो भी बताते हुए जा रहे हैं. ओके, दिस इज द पर्पस ऑफ योगा एंड समाधि अभ्यासा इज द डायरेक्ट प्रैक्टिस, द इजीएस्ट प्रैक्टिस, द मोस्ट पावरफुल, द सिंपलेस्ट प्रैक्टिस, द मोस्ट नेचुरल प्रैक्टिस टू लेट गो द इंडिविजुअलिटी एंड रीच द यूनिवर्सैलिटी। देर इज नो अदर प्रोसेस विच इज ईजियर, there cannot be a process which is easier than this. This is the most useful
most blissful practice in the entire universe. It is the direct path to reach the ananda within us. Ananda is different from happiness in this regard. When a man is happy within himself, he is self-sufficient. He finds joy within himself rather than finding the joy outside of himself. To look for happiness in the outside world is avidya, or ignorance. To think that happiness comes from the outside world, from the acts in the outside world, from perceptions in the outside world, if that were to give happiness, if we were to look for happiness outside, then this is avidya, this is ignorance. Knowledge is finding the happiness within ourselves. Happiness is nothing but, absolutely nothing but, the settled state of awareness. When the mind becomes quiet, automatically mind gains happiness or joy. People think that they get happiness because of an object. If that were so, if man were to find his happiness in the objects of the senses, if the happiness were to lay in the senses, then all objects should provide more and more happiness as we possess them, or as we come into contact with them, or as we experience them through any of the senses, if this were so. If the object were to have happiness within itself, then eating more and more sugar would continuously give us more and more happiness. No matter who eats sugar, you should go on getting more and more happiness. As we eat more, we become more happy, but we find that after a short time that we don't anymore get joy out of eating sugar, and we feel distressful after some time. That means the happiness has not come from the object itself, but the effect the object has produced for that period of time, it has calmed down the mind. The calming down of the mind is happiness. The happiness does not lie in the object, but it lies in one's own mind. If the mind were to become swasthya, that is settled, peaceful. Yes, मैं बीच में कट कर रहा हूँ. ओके, हाँ, अब ये अच्छे ढंग से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. हाँ, कौन बताएंगे? आनंद म्हणजे काय? गुरुजींनी सांगितलं की आनंद हा आपल्यामध्येच आहे. आनंद कदा आपण प्रत्येक वेळेस बाहेर शोधायला जातो तो तुमच्या स्वतःमध्येच आहे. बाहेर आनंद शोधणे म्हणजे अविद्या आहे. मन शांत असेल तर प्रत्येक गोष्ट घडू शकते. उदाहरणार्थ त्यांनी सांगितलं की साखरखाना, जर साखर खायला दिली तर एक वेळ अशी येते की ती साखरेमध्ये आनंद नाहीये. तर कशामध्ये आहे? तर आनंद ज्या वेळेस तो म्हणजे एखाद्या वेळेस आपण साखर दिली तर ते शेवटचा क्षण असा येतो की ते नको नको मला म्हणायची वेळ. मग प्रत्यक्षात साखरेमध्ये आनंद आहे, तर आनंद हा वस्तूमध्ये नाहीये, तर आनंद हा तुमच्या मनामध्ये आहे, असं इतकं मला कळालं. आनंद आपण बाहेरच्या जगात शोधतो आणि त्यासाठी निरनिळ्या वस्तू आपल्याला वाटतात की त्या आपल्याला आनंद देत आहेत, पण प्रत्यक्षात हळूहळू त्या वस्तूंचा वीट यायला लागतो आणि त्याच्यात आनंद नाहीये, आणि मग शेवटी कळतं आनंद आपल्या मनातच दडलेला आहे. व्हेरी नाईस. गुरुजी, गुरुजींनी असंही सांगितलं की ह्याच कंटिन्युएशन मध्ये बोलते मी की मेडिटेशन एक अशी, त्याला प्रोसेस पण म्हणू नये आपण, मेडिटेशन ही एक साधना म्हणजे एक प्रक्रिया दररोजच्या जीवनातली अशी आहे की उच्च शिखरावरची उच्च पातळीवरची ही प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेमधून आपण आनंद बाहेर शोधत नाही तर आपल्याला आनंद आत मिळत राहतो. विदाउट रिझन आपण आनंदी राहतो, ती स्टेट म्हणजे मेडिटेशनची स्टेट, आणि ती अचीव आपण करू शकतो मेडिटेशनमुळे. ते नॉलेज म्हणजे विदाउट रिझन निरहेतू हसणं, निरहेतू आनंदी राहणं, आणि हॅपी आणि आनंद ह्याचा फरक आहे असं गुरुजीने सांगितलं. हॅपी म्हणजे तुम्ही तुमच्या तुमच्या जीवनामध्ये जे मिळवता त्याचा समाधान मानता. आनंद म्हणजे तुमच्या बाहेरच्या अँबियन्सला पण तुम्ही आनंदी करू शकता आणि तुम्ही आनंदी राहू शकता.
गुड. या समाधानी सांगितलं. गुरुदेव, जय गुरुदेव. दोन महत्वाचे मुद्दे कळले की हॅपीनेस इज नथिंग बट स्टेट, सटल स्टेट ऑफ अवेअरनेस, अवेअरनेस अँड कामिंग डाऊन ऑफ माइंड इज ऑल्सो हॅपीनेस. सटल स्टेट जेव्हा आपली असेल तेव्हा आपण हॅपीनेस एक्सपीरियंस करू शकतो. वेरी गुड. गुड. सो गुरुजी यहाँ पे दो शब्द अच्छे ढंग से यूज किए कि विद्या और अविद्या. ओके, सो विद्या से आनंद हो सकता है, अविद्या से नहीं है. ओके, सो जो भी कुछ मटेरियलिस्टिक हम देख रहे हैं, सो वो सब टेम्पररी हैप्पीनेस है, ऐसे गुरुजी कह रहे थे. यानी कि उस वक्त जो भी हमने वस्तु लिया, वो लेने के बाद अपना मन थोड़ा सा शांत हो जाएगा, काम हो जाएगा, फिर हमको लगता है कि यस, आई एम वेरी हैप्पी. सो उस वक्त वो मोमेंट्री हैप्पीनेस पता चल जाता है, लेकिन एक्चुअली उसका जो मेन हैप्पीनेस, जो मोमेंट है, वो सेटलिंग ऑफ द माइंड. जो हमारा जितना मन शांत रहेगा, काम स्टेट रहेगा, उतना हमारा खुशी होना चालू होता है. वो नॉट एक्सटर्नल, बाहर नहीं है, वो अंदर ही है. सो ये लोगों को बहुत कम महसूस होता है कि जो खुशी है अपना अंदर ही है. सो वो अंदर ही कहाँ पे है, तो जितना अपना मन को हम शांत करेंगे, तभी उसका खुशी का महसूस होना चालू होता है. लेकिन वो जितना मन अपना शांत, काम, सेटल स्टेट में रहेगा, उसका एक्सप्रेशन खुशी से हो सकता है बाहर का दुनिया में वगैरह. लेकिन इसलिए कोई इनवर्ड जा रहा है, कोई आउटवर्ड जा रहा है. इनवर्ड यानी कि कोई खुद के तरफ जा रहा है, कोई बाहर की तरफ जा रहा है. सो जो कोई बाहर का तरफ जा रहा है, थोड़ा सालों के बाद वो धीरे धीरे से समझ में आता है कि मेटेरियलिस्टिक में बाहर उतना कुछ है ही नहीं है. सो फिर उनका जर्नी स्टार्ट होता है कि इनवर्ड, या जो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कुछ नहीं है बाहर का, तब धीरे धीरे से अंदर का देखना चालू कर देते हैं. गुरु जी उसके साथ नेचुरल एक एग्जाम्पल दिए कि शुगर. मतलब स्वीट खाया, यानी कि दिवाली का अभी हो गया ना, सबको लगता है कि यस ना, स्वीट खाया तो बहुत खुश हो जाएगा. सब लोगों ने अनुभव किए हैं, स्पेशली लेडीज को, वो बीच बीच में टेस्ट करते 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 इतना पेट भर जाता है कि अभी उसका बारे में नौसे भी आना चालू हो जाता है. फिर उनको दूसरों को देने में खुशी होना चालू हो जाता है, खुद खाने में खुशी नहीं होगा. सो इट्स अ जोक, सीरियसली नहीं लेना है. सो कहने का मतलब इतना ही है, इट लुक्स लिटिल टेम्पररी हैप्पीनेस, लेकिन सब लोग दुनिया चाहते हैं कि टेम्पररी खुशी ही चाहते हैं. सो परमानेंट खुशी कोई नहीं चाहता है. सो गुरु जी यहाँ पे बोल रहे कि वो परमानेंट खुशी चाहिए, तो इट्स अ सिंपल यूज वर्ड यूज किए कि कामिंग डाउन योर माइंड. आपका मन को शांत रखना है, वही हाईएस्ट है स्थिति. सो गुड, आगे बढ़े या और कुछ कोई ऐड करना चाहते हैं? नहीं, शांति, देन ऑटोमेटिकली आनंद विल कम. सो द उपनिषदिक ट्रेडिशन, द ग्रेट इंडियन ट्रेडिशन, इज टू डायरेक्टली गो एंड फेच दिस हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर इट इन द आउटसाइड वर्ल्ड. द ऋषिज से गो डायरेक्टली इनटू योरसेल्फ, डिस्कवर द हैप्पीनेस दैट इज विथ इन यू. The kingdom of heaven is within you. God is within you. Paramatman is nothing but the settled state of the mind. When once it becomes very settled, automatically we reach Godhood. Automatically we experience godliness. Not only we experience godliness, we become God. This is the experience of all meditators who practice Samadhi Yoga. The direct path to ananda, to happiness, is in settling down the mind. If there is a technology for settling down the mind, then that will give us happiness directly. And this is the procedure of Samadhi Yoga. Direct route. ओके, मैं यहीं पे पॉज कर रहा हूँ. समझ में आ गया? कौन शेयरिंग करना चाहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं. भारतामध्ये उपनिषद ही एक परंपरा चालत आलेली आहे. ती इतकी महत्वाची आहे की ती आपल्याला आपल्या आत घेऊन जाते इन्स्टेड ऑफ लुकिंग आउटवर्ड.
आणि माइंडचं सेटलमेंट असं फास्ट होतं त्या प्रक्रियेमुळे. म्हणजे मेडिटेशन तीच प्रक्रिया आहे की ती तुम्हाला शिकवते की आनंद बाहेर नाही तर तुमच्या आतमध्ये आहे. आणि माइंड पण सेटलमेंट माइंडचं खूप चांगलं होतं. आणि माइंडचं सेटलमेंट इतकं उच्च टोकाला गेलेलं असतं की तुम्ही तिथे गॉडलीनेस महसूस करू शकता. पण गॉडलीनेस म्हणता म्हणता तुम्ही स्वतः गॉडही होऊ शकता. व्हेरी गुड, व्हेरी नाईस. ओके, सो ह्याच्यामध्ये इसमें जो है ना, जस्ट लाईक यू बिकमिंग गॉड. ओके, सो वी एवरी वन हॅड दॅट एक्सपिरियन्स इन द रिट्रीट, एस्पेशली इन द इनिशिएशन डे. इन द रिट्रीट वी स्टार्ट लुक यू नो सीइंग द गॉडलीनेस इन एवरी वन. सो सबका अंदर भगवान का स्वरूप हम देखना चालू कर देते हैं, और उस वक्त हमारी भी स्थिति भगवान का स्थिति जैसे महसूस होना चालू जाते हैं. और रिट्रीट में सभी लोग इसको अनुभव करते रहते हैं. सो यशस्वी करने से उतना ही काफ़ी नहीं है, बारंबार आपको 2 महीने में या 6 महीने में एम सी करना जरूरी है, या खुद में खुद को साइलेंस में रहना जरूरी है. सो जिससे ये ज्ञान में आप रह सकते हैं. जैसे कि हम इसको कहते हैं, हर मंदिर के तरफ एक स्पेशली एक प्राणी रखते हैं. ओके, उसको कहते हैं कछुआ, टॉर्टाइस. सो वो बहुत इंटरेस्टिंग सिंबॉल है, यानी कि उसका जब भी कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसका सब सेंसेस क्या कर देते हैं, पैर गर्दन गिर्दन अंदर ले लेते हैं. ओके, सो हमारा सेंसेस क्या होता है कुछ गड़बड़ हुआ तो? सब बाहर की ओर और ज्यादा बाहर. सो वो सेटलिंग डाउन नहीं होता है, सब सेंसेस अंदर लेने का एबिलिटी नहीं होता है, वो खो जाते हैं. ओके, सो लेकिन जितने भी आप ग्रेट लोगों को देख रहे हैं, महान लोगों को देख रहे हैं, उनका एक खासियत होता है कि दे आर ऑलमोस्ट, नॉट ऑलमोस्ट, मैक्सिमम दे आर इन द साइलेंस. इफ इट्स रिक्वायर्ड, जरूरी है तो बात करेंगे, नहीं तो बात नहीं करते हैं. क्योंकि जो आपको कहना है वो सामने वाला ऑलरेडी बता रहा है, इसलिए बताने का कोई जरूरी नहीं लगता है. सो ये कामिंग डाउन ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, सो आपने सुना होगा कि रमन महर्षि नाम सुना है. सो वो कोई भी सवाल लेकर गए, वो कभी भी डायरेक्टली जवाब नहीं दिए हैं. ओके, सो उन्होंने इतना ही किया कि उधर लोग आते हैं 3 3 दिन, 4 4 दिन, 5 5 दिन, जस्ट सिंपली साइलेंट में रहते हैं. ओके, सो जैसे साइलेंस में रहते हैं रहते हैं रहते रहते हैं, जिसका जो सवाल था उसका जवाब उसको ही मिल जाता है. कंटेम्पलेट करना चालू कर देते हैं, उसका सोल्यूशन मिल जाता है. फिर ये कुछ नहीं होते, सिर्फ साइलेंटली उनके साथ रहते हैं, बस उतना ही. सो कामिंग डाउन माइंड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वही गुरु जी कहते हैं कि दिस इज द यशस्वी. ओके, सो यशस्वी यानी कि सब लोगों को दिमाग में क्या आ गया कि बीमारी ठीक करना है, तो वो समझ रहे हैं. ओके, या अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो योगा करवाते हैं, रामदेव महाराज जी वो प्राणायाम भी सिखाते हैं, कपालभाति करवाते हैं. ओके, कोई प्रवचन बताते हैं वगैरह, ये सब है यू नो, डाइटिंग का वगैरह सब. लेकिन ये सब कंबाइंड जो कर कर रखे हैं ना, इसलिए बहुत पावरफुल यशस्वी प्रोग्राम है. ओके, सो मैंने देखा सब अलग 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 जगह में यू नो गया, तो वो सब टुकड़े टुकड़ा दे रहा है. ओके, सो परिपूर्ण नहीं दे रहे हैं. सो गुरुजी ने यहाँ पे कंप्लीटली जिस्ट जो है वो दिए गए हैं. सो इसलिए कि घर में हो, या सोसाइटी में हो, या बिजनेस में हो, या यू नो किधर भी हो, उनका झगड़ा धीरे धीरे से कम हो जाता है. ओके, सो क्यों कम होता है? वो आदमी मन उसका सेटल डाउन होना चालू हो जाता है, शांत होना चालू हो जाता है. ओके, सो बहुत लोगों का व्यसन भी निकल जाता है, दारू वगैरह पीने का वगैरह जो है वो निकल जाता है. सो बहुत लोग यशस्वी को क्यों भेजते हैं, कि वो उसको दारू बंद करने के लिए. इधर एक कंपनी है, अल्फा अल्फा बोलकर कंपनी है, वो बोलते हैं कि यशस्वी, हाँ वो ठीक है, वो दारू सबका दारू बंद करवा देता है वगैरह ऐसे है ना. सो मैनेजमेंट कोई ट्रेनिंग लेना नहीं चाहता है, सो वर्कर को भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए वगैरह ऐसे. लेकिन ये जरूरी है वो पता नहीं चल जाता है. यस, थैंक यू. सो और कोई ऐड करना चाहते हैं या कंटिन्यू करूँ? नहीं, कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस गॉडलीनेस एंड टू रीच द परमात्मन, टू कॉन्टैक्ट द परमात्मन. सो नाउ वी हैव डिफाइंड व्हाट इज समाधि योगा.
And now we can discover what are the benefits of the Samadhi practice. The benefits of Samadhi Yoga in daily life that comes to us can be directly related, 100% correlated with the rest that we get during Samadhi Yoga. The amount of rest that we get is not only mind rest, but physiological rest. Physiologically, the body changes to levels of rest which are about 3 to 4 times as deep as that of deep sleep. You may ask me how this happens. In Samadhi Yoga, the whole process is one of reducing, settling down the mental activity. Once the mind settles down, the body has to reach restful states. That is by virtue of the body-mind relationship. When the mind is excited, the body is excited. You can easily see this in an accident or when something dramatic happens. When the mind is agitated, the body is also extremely agitated. If we were to suddenly see a snake in front of us, even though the snake has not bitten us, mind is excited and we begin to sweat as though we have run several miles, although we have not moved an inch from our seat. Why do we sweat? Because the mind is agitated. So when the mind is agitated, the body is agitated. When the mind settles down, the body settles down. The process of Samadhi Yoga is starting with the mind and settling it down by a particular process. When this happens, automatically body has to gain a very deep level of rest. During our normal waking states, tremendous amount of activity is taking place in the mind, in the calculations, thoughts and whatnot. So many things we are doing in the mind, we are sitting in our houses, but we will be thinking of Bombay, Madras, of all these things. So this agitation has a continuous burden on the physiological system. If we were to somehow retrieve this mental process, then automatically the body settles down. The body settles down to such a great extent that we get about 3 to 4 times the amount of rest that we would normally get in sleep. Scientists have measured that during sleep there is a reduction in metabolism. The oxygen consumption goes down by how much? About 8%. There is an 8% reduction in metabolism during sleep. 92% of the activity is still going on. This happens after 6 hours of sleep. Slowly the metabolism drops and it drops to about 8% after 6 hours of sleep. While during Samadhi practice, the metabolism drops instantaneously within 3 to 4 minutes, the metabolism drops to minus 16 to minus 24%. This is a very great physiological change. Enormous amounts of rest is gained. People who practice Samadhi, after 20 minutes of Samadhi practice, feel as though they have slept for several hours, maybe 2 to 3 hours of good sleep. So Samadhi practice gives us enormous amounts of rest. Very deep rest, something that we have not experienced before at all. States of relaxation that would normally be not at all achieved during one's life. One is not aware of these states. People are aware of only the 3 states of consciousness, the waking state, the dreaming state and the deep sleep state. And even in the deep sleep state, when the body is most rested, for normal individuals, the metabolism drops only by 8%. During Samadhi practice, it drops minus 16 to minus 24%. Huge amount of rest. Then this answers a very beautiful question. People are liable to tell others, this meditation, all this is nonsense. You should not waste your time. This is only for older people who are about to die. This is an... Okay. ये बहुत हो गया. हाँ, कौन शेयरिंग करेंगे अभी? जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. यामध्ये समाधि प्रैक्टिस केल्यामुळे काय होतं या संबंधी गुरुजी सांगताय कि आपलं जे मन आहे ते जसं रिफ्लेक्ट होतं तसे आपली
बॉडी रिफ्लेक्ट होते. म्हणजे मन शांत असेल तर शरीर शांत असतं. मेटाबॉलिझम म्हणजे आपल्या शरीरात होणारी जी चयापचय प्रक्रिया आहे ती क्रिया पण आपलं जसं जसं मन काम डाऊन होईल तसं तसं ही चयापचय प्रक्रिया मंदावते. आणि हे 15 मिनिटाचं ध्यान करण्यानं होतं. म्हणून समाधी प्रॅक्टिस मध्ये काय काय घडतं याबद्दल गुरुजींनी खूप छान समजावून सांगितलं. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. थँक्यू. हां, सहा तासाच्या डीप स्लीप नंतर जे फायदे होतात ते समाधीच्या काही सेकंदामध्ये पण किंवा काही मिनिटांमध्ये मिळू शकतात. यस, 25 ते 30 मिनिटांमध्ये मिळू शकतात. मन आणि शरीर कशी रिलेटेड आहे. मनाला काही कोणी बोललं काही लागलं तर त्याचा परिणाम शरीरावर होतो आणि शरीराला काही झालं तर त्याचा परिणाम मनाला होतो. उदाहरणार्थ ऍक्सिडेंट सांगितलं त्यांनी, ऍक्सिडेंट जर झालेला असं झाला तर त्यामध्ये मनाला मनाला पण वाईट वाटतं. त्या मनाला वाईट वाटलेलं लवकर बाहेर निघत नाही आणि इतकं डीप मध्ये झालेलं असतं ते मनावर खोल जखम. तर त्याच्यासाठी जेव्हा मेडिटेशन आपण करतो तर ते दोन्ही पण एकमेक म्हणजे एक सलग चालतात, त्याचा परिणाम जाणवत नाही एवढा असं सांगेल. व्हेरी नाईस. आणखीन म्हणजे मेडिटेशन कमी होत असं. के प्रकाश जी बोलिए कुछ. हाँ सर, ये समाधि मेडिटेशन में बहुत सारे बेनिफिट है, इससे स्पीच पे समझाया गया. और मतलब कि इसमें कई घंटों की नींद हमारे 20-25 मिनट के समाधि मेडिटेशन से हो जाती है, इससे बहुत काफी लंबा फायदा है. और ये समाधि मेडिटेशन खाली ओल्डर पीपल के लिए है, अगर ये नहीं है सबके लिए है. तो इसके बेनिफिट इसमें समझाया गया. और मुझे इस मीटिंग के उज्जवल जी हमारे मुझे बहुत रेगुलर मैसेज भेजते रहते हैं, लेकिन कभी कभी मैं मनोज जी का भी सेशन होता रहता था, सुबह में मैं नहीं ज्वाइन हो पाता हूँ, लेकिन अब कोशिश करूंगा मैं ज्वाइन होऊंगा. सर जी थैंक यू सो मच. सुनील सर जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच. वंडरफुल सेशन सर. यस, और कोई शेयरिंग करना चाहते हैं? यस सर, इसमें मेनली बताया गया है कि समाधि अभ्यास के बेनिफिट्स क्या है. ओके, वो क्यों करना चाहिए. ओके, सो 20 मिनट्स ये देना है, यू नो. लेकिन हम इतना बिजी होते हैं, इतना बिजी होते हैं, इतना बिजी होते हैं कि सिर्फ रात को ही हमको रेस्ट मिलता है. क्यों रेस्ट मिलता है? टोटली बॉडी एग्जॉस्ट हो जाता है कि आप कुछ काम नहीं कर सकता हूं, तब भी आप रेस्ट कर रहे हैं. नहीं तो और भी काम करना चाहते थे, और भी काम करना चाहते थे. ओके, सो इसलिए क्या हो रहा है, फिजियोलॉजिकली प्रॉब्लम हो रही हो रहा है, उसके साथ मेंटल भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. ओके, सो इसलिए हम, गुरुजी मुझे बोलते थे जब मैं कुवैत को काम करने के लिए जाना चाहता था, जॉब करने के लिए वगैरह, बोलते थे कि अरे तुम गधा जैसे काम करने के लिए मत जाओ उधर वगैरह. सो डोंकी वर्क. सो अभी ऐसा लग रहा है कि दुनिया में सब भी लोग गधे जैसे काम कर रहे, आउटपुट क्या है? कुछ नहीं है. ना, सो काम नहीं करना है, नहीं चाहिए, ऐसा नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ. काम करना है लेकिन जॉयफुल से करना है. ओके, सो जस्ट लाइक लीडर कॉन्शियस से करना है, लेकिन हम वो भूल जाते हैं. ओके, सो आजकल नया टेक्नोलॉजी आए हैं कि जो अलार्म लगा कर रखी है, 1 बजे आपको मेडिटेशन करना है, या शाम को 7 बजे आपको मेडिटेशन करना है, या 8:30 बजे आपको मेडिटेशन करना है. ओके, सो हम पैदा हुए हैं काम करने के लिए नहीं है. तो हम पैदा हुए हैं मेडिटेशन करने के लिए. ओके, पार्ट टाइम काम करना है, फुल टाइम मेडिटेशन करना है, यू नो. सो कल मेरा लड़का देख रहा था, ना बैंकॉक जाने का वगैरह सब, उधर देख रहा था कि चलो उधर मेडिटेशन सेंटर कोई है क्या वगैरह ऐसे. सो मैंने बोला कि या उपासना वो सेंटर हो सकता है, वो उधर आप रह सकते हैं 10 दिन के लिए उधर. वो चेक किया तो होल ईयर, ओके, आने वाला 2025 होल ईयर बुक्ड है, इट्स फुल. ओके, अरे यार इतना अमेजिंग. सो इंडिया में 3 महीने के बाद आपको मिल सकते हैं,
लेकिन बैंकॉक में होल ईयर फुल, फिर वो नेक्स्ट ईयर के जब वो अनाउंस करेंगे तब मिलेगा। ओके, सो कहने का मतलब है एटलीस्ट वो लोग अच्छे ढंग से कर रहे हैं। सो अलग अलग कंट्री में बहुत लोग अच्छे ढंग से कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज अ वेरी ग्रेट। कुछ कह रहे थे प्रकाश जी? सर जी, हमको गुरु जी का इतना बढ़िया नॉलेज हमको मिला, हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली फॉरेन वाले कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसे ही मिला है, लेकिन उनको नहीं मिला इसको वैल्यू करते हैं। हमको इसको वैल्यू करना चाहिए, ऐसे ही नहीं लेना चाहिए। रेगुलर जो जो हमको गुरु जी और सब आप लोग जो समझा रहे हैं, उसको रेगुलर करना चाहिए। यही मेरा मतलब समझ है मेरा। सो यू आर राइट। सो जब भी मैं उधर अमेरिका इसमें गया, कनाडा में गया था, उनको मैं यही बता रहा था कि नहीं उधर कोई लोग टाइम नहीं दे पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं वगैरह ऐसे बोल रहे थे। अरे वो टाइम है उसका जिंदगी में 10 दिन देना है, वो होल लाइफ नहीं देना है मुझे। ओके, सो मैंने उसको सिंपल पूछा था कि यू नो कनाडा में हो या अमेरिका में हो, उनका सबसे पहला जरूरी क्या लगता है मालूम है? व्हीकल ड्राइविंग करना आना चाहिए। ओके, कार आना चाहिए। सो विदाउट कार उधर उनका मोबिलिटी बंद हो जाता है। सो बोला कि अरे आपने कार सीखा है? कि हाँ सीखा, मैंने कार सीखा। कितना टाइम दिया? नहीं, 3 महीने देना पड़ता है ड्राइविंग, और टेस्ट वगैरह देना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, उसमें भी 1 2 3 ऐसा उनका ग्रेड होता है लाइसेंस का वगैरह ऐसे। सो कार सीखने के बाद क्या क्या काम कर सकते हैं? नो सब कुछ, किधर भी मतलब उनका टाइम बच रहा है, बहुत बेनिफिट्स हो रहा है। पूनम से फोन आया है क्लास से। सो यू नो गाड़ी के लिए हम दे रहे हैं, लेकिन जिंदगी चलाने के लिए। ओके, सो मन को कब ट्रेनिंग दिए हैं? मन को ट्रेनिंग दिए ही नहीं है। ओके, उसका इसका दो कर जो चला रहे वो चला रहे हैं। जैसे कि हमने मोबाइल खरीद किया, तो यूजुअली मोबाइल का सब फंक्शन हम कभी पढ़ते भी नहीं है, समझ लेते भी नहीं है। सो आजू बाजू जो जो हमको दिखाएगा उतना है, उसका ऊपर हमारा काम चालू हो जाता है। यानी कि डायल करना है, व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, या देखना है, या जूम लिंक कैसा ऑन करना है, उतना ही देखते हैं। लेकिन उसके अलावा और भी कुछ होता है, स्टार्टिंग एंडिंग समरी विद, ओके, और भी कुछ है वो हम कभी देखते नहीं है। ओके, सो जिंदगी में भी वैसा ही है कि जिसको टाइम नहीं है, ओके, सो लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, नेचुरली अचीव करना चाहते हैं, है ना, नेचुरली पैसे कमाना चाहते हैं, तो सब कुछ वो नेचुरली मिलना चालू हो जाता है। ओके, सो ये जब हम एनिमल के तरफ देखते हैं, दे लिव्स इन वेरी नेचुरल स्टेट। जो पेड़ वगैरह जो है वो भी हमेशा नेचुरल स्टेट में रहते हैं। कि नो डाउट थोड़ा सा हो सकता है कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन हो सकता है लेकिन जलसी नहीं हो सकता है। ओके, सो इधर क्या हो रहा है, कंपटीशन का अलावा जलसी ज्यादा होता है ना। सो दूसरा आगे बढ़ रहे तो उसका खुशी में खुश महसूस करना, ये महत्वपूर्ण होता है। सो वो समाधि अभ्यास में हो सकता है, वो समाधि अभ्यास नहीं रहा तो फिर वो हमेशा डिस्टरबेंस रहेगा, क्योंकि किधर भी गया तो उसको उसका ही खुद का कमतरता महसूस होगा, कंटेंटेंट या तृप्ति का भाव उसको नहीं मिलेगा, वो समाधि अभ्यास में मिलेगा, ये गुरुजी कह रहे हैं। और मेनली ज्यादा इसमें पहले में जो टॉपिक था वो अबाउट माइंड का था, गॉडलीनेस का था। अभी जो गुरुजी ले रहे हैं इसका, ये फिजियोलॉजिकल ऊपर ले रहे हैं, यानी कि शरीर का ऊपर कैसा रिजल्ट हो रहा है, उसका कैसा फायदा हो सकता है, रेस्ट कितना हमको मिल सकता है, इससे हमको टाइम कितना बच सकता है, और बहुत कुछ और अच्छा क्रिएटिविटी काम कर सकते हैं, आउटपुट अच्छा और भी समाज को दे सकते हैं। सो ये एबिलिटी ये प्रोसेस से बता रहे हैं। सो जब मैं बेलूर हलेबीडू इधर गए थे, या अलग अलग अपना इंडियन कल्चर का जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, नहीं मूर्ति बनाया जाता है अजंता वेरूल वगैरह से, वो कितना प्लानिंग कर कर कितना कॉन्शियस लेवल होगा, कि कितना शांतता उनका मन में होगा कि वो मूर्ति बना रहे हैं।
यानी कि बेलूर में नवरस व्यक्त किए गए हैं, जो लेडीज का मूर्ति है उसका नवरस को, भाव को व्यक्त करना इट्स वेरी टफेस्ट। ओके, पेपर में डाला तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने सब मूर्ति सब बना दिया है, लेकिन नाम के तुरंत नाक के पास आए, ज्यादा कुछ तो एक्स्ट्रा बना लगा दिया, वो टूट गया समझो, होल फिर नया मूर्ति बनाना पड़ेगा, है ना। यानी कि कितना सूक्ष्म रहेगा, कितना पेशेंस रहेंगे जिससे वो अच्छे ढंग से बना सके वगैरह से। ओके ओके क्लियर, थैंक यू, आगे बढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट दैट दे कैन डू फॉर देमसेल्व्स, इट इज नॉट फॉर अस, फॉर सच पीपल हु रिडिक्यूल मेडिटेशन, हु से इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, वी हैव अ वेरी सिंपल रिटर्न क्वेश्चन टू आस्क देम। द क्वेश्चन इज व्हाई डू दे स्लीप एट ऑल? 8 hours of time is wasted. Instead, they could be doing so many wonderful things, eating so many fine dishes, attend to so many good movies, earn so much of overtime. All these things they could be doing. Why do they waste their time sleeping for 8 hours? You are wasting your time, you can say. But then, can anyone live without sleep? Is there any individual who can remain without going to sleep in the night? Sleep is an essential factor of activity. Rest is the basis of activity. If you are rested, then you can act in the morning. If you do not sleep at all in the night, we find that we become very dull, inefficient, incapable of activity, sickly, all these things. To be active, we need rest. And if there is a technology which can give deep levels of rest in a very short period of time, it's a great boon to mankind. And this is the technology of the Vedic Rishis. This is the technology of India, the Sandhya Vandana that everyone has performed 3 times a day. If we were to dip ourselves in deep levels of rest and come out of it as if we have slept several hours, we can imagine the kind of beautiful activity that will result from this. So we say, rest is the basis of activity. Very deep rest is the basis of dynamic activity. So when we practice Samadhi Yoga, we become very alertful and dynamic in life and successful. Very much more capable in life. It's a great boon to the busy people who do not have much time now. Their mind becomes extremely alertful and then activity becomes dynamic. So we say when the person starts meditating, not at the age of 70 or 80, when he is about to die and cannot do anything, a man should start meditating when he is about 8 to 10 years old. That is when they need to be very well rested so that they can read well, they can perform well, and they can do their job better. So Samadhi Abhyasa is for the dynamic individual, not for a dull individual. To remove the dullness from life, we practice Samadhi. This very important point we have missed for centuries all over the world. If we were to practice Samadhi, we will get terrific rejuvenation, enormous changes in the physiology, and the psychology begins to take place. So one thing that is very important to understand now is to practice Samadhi meditation. Anyone, whatever be their age, the earlier the better. Preferably when the child begins to ask such questions as, show me God, where is God? You are worshipping nothing. Is God only here? God is everywhere, not in the puja room only. Why do you go to the temple? Why do you go to the church? You are fools, because you are telling God is everywhere and you go to the temple and you go to the church. You put a Krishna Vigraha and put as if Krishna is only there. You are actually fooling yourself. You are telling me something, but you yourself is doing something else. You tell me Krishna is everywhere. Then why do you go and worship Krishna over there? He must be everywhere. Then the child says, I don't want to do namaskara here. I don't want to come to the church. I can realize Brahman everywhere. When he begins to ask such questions, and when he asks, where is God? Show me God.
Most of us are at a loss. When we say, no, no, elders have said so, you do this. Bhagavad Gita says so, you do this. All this is nonsense. The child will not believe this. Who cares, he says, show me, then I will believe you. This is the right approach. Elders also should take this approach. You should not believe anybody. This should be your personal experience. It should not be a mudanambika, an ignorant attitude. Just because my father did some foolish thing, I don't have to. Yeah. So, कौन बताएंगे? We'll stop here only. Yeah. फिर भी थोड़ा सा conclusion. गुरुजी ने यही कहा कि भी लोगों को 70 और 80 एज पे नहीं करना चाहिए, ये 7 से 8 साल की उम्र से ही स्टार्ट कर देना चाहिए. मतलब इसको अर्लियर द बेटर, अर्लियर इज द बेटर. तो ये का मतलब ये रेगुलर जो शुरू से बच्चों को ये आदत डाल देनी चाहिए, वो चिल्ड्रन एसएसवाई भी कराना चाहिए बच्चों को, ताकि इसमें वो संस्कार आते रहे. वो बीज बीज रोहण है, वो बीज जब एक दिन बड़ा वृक्ष बन जाएगा बाद में धीरे धीरे, तो बच्चों को भी चिल्ड्रन एसएसवाई कराना चाहिए, मेरा ये ओपिनियन है. थैंक यू सर जी. ओके, जय गुरु. समाधी अभ्यासासाठी मला वेळ मिळत नाही असं बरेच लोक म्हणतात की मला वेळ मिळत नाही. गुरुजी म्हणतात की त्यांना वेळ कधी मिळणार आहे, तर झोप म्हणजे रात्री झोपायला पण वेळ उशीर होतो, तर अशा अवस्थेत ते विश्रांती घेऊन घेऊ शकत नाही. म्हणजे जेव्हा समाधी अभ्यास करायचा तर तो वेस्ट ऑफ टाइम नाहीये, तर तो त्याच्यामध्येच खोलवर विश्रांती मिळते आणि ते ऍक्टिव्हली म्हणजे कोणतंही कार्य करू शकतात की डायनामिक चेंज यांनीच होऊ शकतो की समाधी अभ्यास प्रॅक्टिस केल्यानंतर. जीवनातील जर डलनेस घालवायचा असेल तर तुम्ही समाधी अभ्यास करा असं गुरुजींनी सांगितलं. सो जो डायनामिक जो है, और कोई जो डायनामिक है वो करना है, और जिसको डलनेस आ रहा है, आलस आ रहा है, उसको ये मेडिटेशन करना जरूरी है. और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज सुन रहे हैं हम. हाँ, तो गुरुजी आपने जब पूछा कनाडा में के वो अपने पूरे लाइफ के लिए ड्राइविंग 3-3 महीना देके सीखना चाहते हैं, पर रिगार्डिंग मेडिटेशन वो फोकस नहीं करे 10 दिन के लिए, तो ये बड़ी ट्रेजेडी है ह्यूमन बीइंग की. जय गुरु. नहीं, वो एक था, एक आया था, वो बोला कि आपने एसएसवे किया है कि मुझे पूछ रहा था आप क्यों इधर आए हैं वगैरह से. सो मैं जस्ट लाइक पार्टिसिपेंट जैसे ही बैठा था. सो बोले कि मैं जस्ट देखने के लिए आया हूँ और मुझे नहीं करना है, ऐसा उन्होंने बोला. फिर वो मुझे पूछने लगा, तब मैंने उसको इतना ही बोला, तो वो कंटिन्यू किया. दोनों वाइफ हस्बैंड और विथ चाइल्ड वो आए और कंटिन्यू किया. रिट्रीट नहीं आ पाया, लेकिन वो कंटिन्यू वहाँ तक प्रोग्राम किए. ओके, सो कहने का मतलब है कि जैसे कि प्रकाश जी ने बताया कि इम्पोर्टेंस हम उसको वैल्यू नहीं कर रहे, हम उसको फ्री में दे रहे हैं, यानी कि कोई नहीं आ रहा है चलो फ्री में दे देंगे, या पैसा नहीं है वो बोलकर हम वैसा कर रहे हैं, वैसा नहीं है. उसको कम से कम 50-60,000 चार्ज करना चाहिए. ओके, तब भी उसको बहुत वैल्यू समझ लेंगे. ओके, जैसे कि आप आम का जूस दे रहे तो कोई नहीं पीता है, आम कट कर कर दे रहे तो नहीं पीता है, लेकिन उसको शेक बनाएंगे, वो करेंगे, उसमें थोड़े से केमिकल डाला देंगे. ओके, पल्प हार्डली 20% रहेगा, पानी का कंटेंट बाकी का रहेगा, और केमिकल्स रहेंगे, वो जाहिरात करेंगे, फिर वो अच्छे ढंग से सब लोग पियेंगे. ओके, सो जो रॉ मैंगो है वो कोई नहीं पीना चाहता है. ना, मैं वही भी देख रहा था, जो लोग खाना बना रहे इतना उसका सब इंग्रेडिएंट्स है, सब या विटामिन मिनरल सब है, सब डेथ उसका खत्म कर देंगे, फिर उसको पैकिंग कर देंगे अच्छे ढंग से, फिर उसको मार्केटिंग करना चालू कर देते हैं. सो वी आर, ये नेचुरली आया है. नेचुरली यानी कि ऋषि मुनि ने जितना शोध किए हैं, सहजता से आए हैं, गुरु जी उसको दे रहे हैं सबको, लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका वैल्यू हम नहीं बढ़ा रहे हैं. ओके, सो ये हो रहा है. अभी हम देख रहे हैं अमेरिका या कनाडा में हो या स्विट्जरलैंड, अलग अलग कंट्री में दे क्रेविंग यानी कि इसके पीछे लगे हैं, लेकिन उधर हमको टीचर बता रहे हैं कि जो देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं. ओके, सिर्फ फिजियोलॉजिकली योगासन वगैरह सिखा कर, थोड़ा सा जप या त्राटक मेडिटेशन कर कर भेज रहे हैं.
युवन मंदिर में पंडित भी नहीं है, उसका भी मालूम नहीं। युवन मैंने देखा कि वो एक डॉक्टर आया था, बोलते कि उसके खुद को डॉक्टर का ही बीपी है, डायबिटीज है ना, और खाना में इंटरेस्ट नहीं है, काम में इंटरेस्ट नहीं है। वो बोल रहे कि मुझे एक्चुअली ड्यूटी में नहीं जाना चाहिए, मन नहीं हो रहा है। वो 1 बजे तक टाइम पास किया मंदिर में, फिर हो जाएगा, अभी जाएंगे मैं हॉस्पिटल, थोड़ा सा खाना खाऊंगा, फिर 5-6 पेशेंट को देखाऊंगा, भगाऊंगा, और शाम को मैं 4:30-5 बजे वापस आ जाऊंगा घर। यानी को खुद डॉक्टर होते हुए भी फुल स्ट्रेसफुल है, और वो जो जॉय एंजॉय करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, वो होल प्रोसेस में नहीं कर पा रहा है। सो इट्स ऑल प्रोफेशनली जो कुछ करना चाहते वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिस इंटेंशनली वो गए हैं, वो इंटेंशन फुलफिल हो गया तो फिर उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। सो बहुत लोगों को किस ढंग से जीना चाहिए, क्यों जीना चाहिए, मकसद क्या है, यही पता नहीं है। सब यंगस्टर्स मैं देखा कनाडा में, स्पेशली हरियाणा पंजाब से बहुत बच्चे आए हैं, 2 साल में जॉब कंप्लीट कर देते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, जिंदगी जीना चालू कर देते हैं, फिर आगे क्या करना मालूम नहीं है। जो लग्जूरियस चाहिए वो सब मिलने के बाद व्हाट नेक्स्ट, वो नहीं है, फिर अलग अलग एक्टिविटीज में अटक जाते हैं। गुड, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हमको काम करने का क्षमता जो बढ़ेगा वो समाधि अभ्यास करने से और भी बढ़ेगा। जो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं वो फिजियोलॉजिकली हो रहे हैं, एज वेल एज मेंटली हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि डॉक्टर इज मेंटली एग्जॉस्टेड, फिजियोलॉजिकली उतना क्लियर उसका काम करने का मन नहीं हो रहा है। सो ये दोनों बैलेंस समाधि अभ्यास में होना चालू हो जाते हैं। इसलिए फिजियोलॉजिकली उसका असर क्या हो रहा है, उससे हम क्या काम कर सकते हैं, उसका कितना बेनिफिट्स हो सकता है, ये बता रहे हैं। और जो भी जो गुरु जी का कहना कि इतना ही जितना यंग में हम लेंगे ये मेडिटेशन प्रोग्राम करना चालू करेंगे, दैट इज द राइट टाइम। सो मैं कभी कभी SSVM में क्लास में बोलते हैं कि आपको हम जीना भी सिखाएंगे और मरना भी सिखाएंगे। सो मैंने वो भी देखा है, बहुत लोगों का शरीर नहीं छूट रहा है, वो बोलते हैं कि गुरुजी कुछ कुछ तो करो और मुझे इसमें मुक्ति दिला दो, यानी कि बेड पे लेटे वाले हैं 6-6 महीने 8-8 महीने, वो जीव नहीं छोड़ पा रहे हैं, इतना फिजियोलॉजिकली तकलीफ हो रहे हैं वगैरह। से जो अच्छे ढंग से जीना सीख सकता है, जी रहा है, वो अच्छे ढंग से शरीर को छोड़ सकता है, वो छोड़ने का कला भी इसमें है। एक्चुअली हम मेडिटेशन करते करते जैसे जैसे जाएंगे तो बॉडी आपका, मैं शरीर नहीं हूं ये एक्सपीरियंस होना चालू हो जाता है। सो जब वो पता चल गया तो फिर फियर ऑफ डेथ भी निकल जाएगा। कुछ भी करने की एबिलिटी जो क्षमता है वो धीरे मन में ठाम बढ़ना चालू हो जाता है। सो इसलिए गुरु जी कहते हैं आफ्टर डूइंग दिस प्रोग्राम यू हैव द एबिलिटी टू एनीथिंग, यू कैन मूव द होल वर्ल्ड, ऐसा बोलते हैं, आखा दुनिया भी आप घुमा सकते हैं। मूव कर सकते हैं, उतना क्षमता ये है, एंड दैट इज अ ट्रू। मैं वही देख रहा था कि राजे के लिए इतने लोग क्यों प्राण दे सकते थे, अभी पैसे के लिए लोग कम है प्राण देने के लिए, लेकिन उसमें पैसा भी नहीं मिलता था, मतलब इतना समर्पण भाव किस। सो दैट्स द मेन रीजन है कि अपना जो विद्या है, यानी कि उपनिषद वेदांत जो है, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनको पता चलता है कि आई एम नोबडी, तो सब कुछ करने के एबिलिटी उनमें आ जाता है। सो थैंक यू। अभी ये गुरु जी का हमने कैसेट सुना है, वो सिर्फ 17 मिनट्स तक, और भी 20 मिनट है, वो हम नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे। एक्चुअली नेक्स्ट सेशन में इंट्रोडक्शन है निगड़ी में, और निगड़ी में SSVI क्लास चालू हो रहा है, लेट्स सी क्या होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुजी थोडं शेअरिंग करा कॅनडाचं पुढच्या वेळेला, तुमचा हाँ, यस यस, अनुभव सांगा कसं वाटलं काय। एकदम छान आहे, खूप खूप, हाँ यस 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 यस, चलो जय गुरुदेव, हम जय आप गुरुजी, प्रेम करो। थैंक यू सर जी, करो। थैंक यू सो मच। ओके वेलकम। असं तो
सद्गमाया तमसो मा।